क्या हुआ? फिर से कोई नया रिश्ता आ गया तुम्हारा? क्या हुआ? Impossible. अब ऐसा कभी नहीं होगा. तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? अलमीर चुप कर जाओ इस वक्त. मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है. अच्छा, बट क्यों? बहुत हंसी आ रही है. हंस लो. तुम नहीं हंसोगे तो और कौन हंसेगा? Come on, यार, मैं तो मजाक कर रहा हूँ. रेहन, स्टॉप इट यार. रेहन, सब देख रहे हैं हमें. तुम क्यों तमाशा लगाती हो? तुम ये बताओ, तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है? तुम मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हो. ऐसी दोस्त जिसने मेरा उस वक्त साथ दिया जब मैं बिल्कुल टूट चुका था. इसलिए तुम्हारी अहमियत मेरे दिल में बहुत ज्यादा है. ये खास मकाम है तुम्हारा मेरे दिल में. यही अहमियत? सिर्फ दोस्त? बस सिर्फ दोस्त नहीं यार, बहुत अच्छी दोस्त. जानते हो तुम्हारी क्या अहमियत है मेरी जिंदगी में? आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ. अयान, कहाँ? आओ ना, मैं तुम्हें दिखाऊं. अरे कहाँ लेके जा रही हो अयान? बात तो सुनो अयान. अच्छा लिसन, मैं चल रहा हूँ ना तुम्हारे साथ. अयान, अयान क्या कर रही हो? मेरा हाथ तो छोड़ो. अच्छा तुम क्या कर रही हो अयान? तुम्हें ये बताने के लिए आई कि तुम मेरे लिए क्या हो. मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ. इतनी मोहब्बत के मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती. तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये क्या बेवकूफी कर रही हो? इधर आओ. हाँ, पागल हो गई हूँ मैं. अयान इधर आओ. बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे अलमीर, लेकिन तुम्हारी आंखों पे सिर्फ सलवा की मोहब्बत की पट्टी बंधी है, इसीलिए मैं तुम्हें कभी नजर ही नहीं आई. अलमीर, मेरी आंखों में देखो मेरी आंखों में जिनमें सिर्फ तुम. बहुत प्यार करती हूँ तुम्हें, लेकिन तुम्हें मेरी मोहब्बत क्यों नजर नहीं आती? क्योंकि अयान, मैं सिर्फ सलवा से मोहब्बत करता हूँ. उसी से करता था और उसी से करता रहूंगा. प्लीज अलमीर, मोहब्बत को यूं पामाल ना कर. मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की, सिर्फ तुम्हें चाहे अलमीर, सिर्फ तुम्हें. लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने सिर्फ सलवा को चाहा, उसी से मोहब्बत की है मैंने. अलमीर, तुम थोड़ी देर के लिए सलवा को भूल जाओ. सिर्फ मुझे देखो, मेरे लिए सोचो अलमीर. मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी. ये नामुमकिन है. पागल हो गई हो क्या? अयान, तुम मेरी दोस्त हो, बस. मैंने कभी सोचा ही नहीं तुम्हारे बारे में ऐसा. नहीं हूं मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त. मोहब्बत करती हूं मैं तुमसे, बहुत मोहब्बत करती हूं मैं अलमीर. देखो आज मैंने मजबूर होकर तुमसे इजहार भी कर दिया. मेरी मोहब्बत की वजह से तो इन मत करो अलमीर. मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ. इतनी मोहब्बत करूंगी तुम सब को भूल जाओगे. सलवा मेरे दिल में रहती है और ये जगह मैं किसी और को कभी नहीं दे सकता. चलो. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? तुम चली क्यों नहीं जाती हमारी जिंदगियों से? तुम्हारी वजह से अलमीर मेरा नहीं हो पा रहा. आज भी तुम्हारी यादों को मैं दिल से लगा कर बैठा है. रहम का उस पर. चली जाओ यहां से, हमारी जिंदगियों से चली जाओ. मैंने अलमीर नाम का सफर अपनी जिंदगी से फाड़ के फेंक दिया. मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है. ताल्लुक है? झूठ बोलती हो तुम. तुम्हारा भी मैं रिश्ता है उससे. वो कहते हैं उसकी रगों में तुम खून बन के दौड़ रही हो. वो तुम्हें भुला नहीं पा रहा. मैं नहीं नजर आ रही उसे. उसे मेरी मोहब्बत नजर ही नहीं आ रही. और ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है. आज भी वो सिर्फ तुम्हें सोचता है,
सिर्फ तुम्हारी यादों के साथ जिंदगी गुजार रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं उसके दिल में अपनी जगह कैसे बनाऊं। बहुत गलत किया तुमने, गलत किया, जुल्म किया उसके साथ भी और मेरे साथ भी। अयान, मोहब्बत जबरदस्ती का सौदा नहीं होता है, ये तो खुद ब खुद परवान चढ़ती है। एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ें खुद ही इंसान की रूह में जगह बना लेती हैं। मैं वो जड़ें ही काट दूंगी। सुना तुमने? उसके दिल से तुम्हारी मोहब्बत की जड़ें उखाड़ कर फेंक दूंगी मैं। आज अलमीर के दिल पर तुम हुक्मरानी नहीं करती तो क्या हुआ? कल अलमीर के दिल में सिर्फ अयान होगी, सिर्फ मैं होगी। आओ चलो। अयान मैं कह रहा हूँ मेरी क्लास है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं नहीं जा रहा। अलमीर सिर्फ एक मिनट के लिए यार, प्लीज। चलो। सॉरी अलमीर, मेरी वजह से तुम हर्ट हुए। इट्स ओके। जिस तरह से तुम्हारा अपने दिल पे कोई इख्तियार नहीं, उस तरह से मेरा भी अपने दिल पे कोई इख्तियार नहीं। So what? इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि किसी के भी दिल में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की जाए। प्लीज अलमीर, हम दोनों अच्छे दोस्त भी तो हैं ना। अयान, हम सिर्फ अच्छे दोस्त ही हैं, और इस बात को जितना जल्दी समझ लोगी ना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जा कर रही हूँ, बैठे रहो अभी। मेरी क्लास है, मैं लेट हो रहा हूँ। अयान, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मैं अपनी अच्छी दोस्त को कभी खोना नहीं चाहता। अंडरस्टैंड? मैं और सिर्फ तुम्हारी दोस्त। भैया ये लोग तो हाँ, वो मेरा दोस्त अपनी फैमिली के साथ आया है। नहीं पर मैंने आप आओ तुम आकर सलाम तो। अरे अयान बेटा, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। मैंने जब आपको मना किया था तो फिर आपने क्यों बुलाया उन्हें? Behave yourself. आराम से बात करो। ये बात करने का तरीका कहां से सीखा है तुमने? और किसका गुस्सा है जो तुम हम पर निकाल रही हो? भैया मैं आप Shut up. Just shut up. बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानियां। हमारे प्यार का यूं नाजायज फायदा मत उठाओ अयान। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप इस तरह गुस्से से बात करें मुझसे। तो हमने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ? सिर्फ तुम्हारे रिश्ते की बात ही तो कर रहे थे, और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं, हमारा मसला भी है। हम जैसे चाहें, हमें जैसे बेहतर लगे हम वैसे करेंगे, और तुम बीच में नहीं बोलोगी। लेकिन भाई अच्छे घर की लड़कियां अपने रिश्ते के मामलात में जो नहीं बोलती हैं। और वैसे भी अभी हुआ क्या है? सिर्फ लड़का ही तो आया मिलने के लिए। अभी हम जाएंगे, जांच पड़ताल करेंगे, देखेंगे, उसके बाद कोई फैसला करेंगे। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? और मेरी मर्जी? मेरी मर्जी का क्या भैया?
तुम्हें हम पे भरोसा करना चाहिए आया। हम जो करेंगे तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा। वैसे भी मुझे असर बहुत अच्छा लगा, मुझे ये रिश्ता पसंद आया। प्लीज भैया ऐसे ना करें, प्लीज भैया ऐसे ना करें भाई, प्लीज। अच्छा अच्छा रो मत, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ मेरा बच्चा, इधर आओ बैठो, प्लीज बैठो। लिसन टू मी, लिसन टू मी। लुक एट मी, देखो मेरी तरफ। अच्छा मेरी बात तो सुनो ना, क्या हो गया, क्यों रो रही हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हें इस तरह रोता नहीं देख सकता। नहीं भैया मैं शादी नहीं करना चाहती, प्लीज। शादी नहीं करना चाहती या यहाँ शादी नहीं करना चाहती? मैं तुम्हारी इस खामोशी का क्या मतलब समझूं आयान? आप जानते हैं जो मैं चाहती हूं। नहीं मैं नहीं जानता, और अगर मैं जानता भी हूं तब भी मुझे मुझे सच तुम्हारे मुंह से सुनना है। ठीक है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो फिर सुने। मैं सिर्फ अलमीर से शादी करूंगी। अलमीर मेरा इश्क है, जुनून है मेरा, वो सिर्फ मेरा है। कुछ भी कर ले भैया आप, मैं सिर्फ अलमीर से शादी करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। लेकिन ये मुमकिन नहीं है आयान। इस दुनिया में सब मुमकिन, और अगर नहीं तो मैं नामुमकिन को मुमकिन कर दूंगी। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आप सलवा से तो उसका नसीब छीन सकते हैं, लेकिन मुझसे मेरा नसीब नहीं छीन सकते। खोकर पाया मैंने अलमीर को, वो मेरी किस्मत में है। जब भी वो मुझे दोबारा मिले, वो सलवा का नसीब नहीं था, वो सिर्फ मेरा नसीब है भैया, मेरा है वो। सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। आज मेरे घर में जितनी मुसीबतें हैं सब तुम्हारी वजह से। ऐसे तुम्हारे मनहूस कदम पड़े हैं हमारे घर में कि हर तरफ मनहूसियत छा गई। मेरा कभी कभी दिल चाहता है तुम्हें आग लगा दूं। जो इंसान अपनी आग में खुद जल रहा वो किसी और को क्या आग लगाएगा? अगर आप तसल्ली से सोचे आपको अंदाजा हो जाएगा। बहुत जुबान चलने लगी है ना तुम्हारी, हाँ? किसने कहाँ कैसे आग लगाई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये आग बुझानी कैसे है ये मुझे अच्छी तरह आता है। अभी तुम्हें बताता हूँ मैं कब क्या कैसे कर सकता हूँ। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, एज ए फ्रेंड मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूँ, तुम प्लीज कोई अच्छा सा लाइफ पार्टनर ढूंढो एंड मूव ऑन। यार तुम समझती क्यों नहीं हो यार, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं यार? मुझे जिंदा रहने का हर बहाना खत्म करके दूसरे में समझती क्यों नहीं? ऐसा क्यों लगता है अलमीर की मोहब्बत करनी सिर्फ तुम्हें आती है? आयान हम दोनों सिर्फ दोस्त रहें यही बेहतर है। मैं तुम्हें बिना बताए भी जा सकता था, लेकिन तुम्हें शौक ना लगे इसलिए बता के जा रहा हूं।